देखो मैंने बताया था कि ढाई का मतलब क्या होता है, दस। ढाई का मतलब दस। जैसे पचास का नोट है तो पचास में दस दस कितनी बार आएगा, पांच बार। तो पचास में ढाई कितनी हो गई, पांच। ये हो गई पांच दहाई। ठीक, ये मेरे पास कुछ फुटकर रुपए हैं, ये है एक रुपया, फिर ये है एक और रुपया, तो एक ही कितने हो गए, दो। और ये हो गए एक और रुपया तीन, तो पचास और तीन तिरपन, ये कितने रुपए हो गए, तिरपन रुपए। गिनती नहीं आती थी सही से, पचास और तीन कितने हो गए, तिरपन। अब बताओ इसमें कितनी ढाई हो गई, कितनी इकाई हो गई, पांच इकाई है, एक तीन है। सही से सोच के बोलो, तीन इकाई, पांच ढाई, तीन इकाई। क्यों इसमें दस दस कितनी बार आएगा, पांच बार। इसमें दस दस कितनी बार आएगा, पचास की ढाई कितनी हो गई, ये क्या हो गए, तीन। रुपए क्या हो गई, इकाई। ठीक, तो तिरपन में पांच ढाई और तीन इकाई। अब मैं तुम लोगों को कुछ रुपए दे रही हूँ, ठीक। उसके बाद मैं सबसे पूछूंगी कि सबके पास कितनी ढाई है और कितनी इकाई है। चलो पकड़िए इसको, अपने अपने नोट पहले गिनती में गिनने हैं, कुल कितने नोट हैं सबके पास। ठीक, ऋतु देखो नोट सबको गिनना आता है कि नहीं आता है, सबकी मम्मी कुछ ना कुछ लेने के लिए रोज दुकान पे भेजती है सबको। केतकी चलो एक और दस कर लो, इसको दो। ठीक, सबके पास रुपए हो गए। अब मैं कुछ फुटकर रुपए दूंगी, ध्यान से गिन के देखना कितने कितने हैं, और अपने कुल रुपए जोड़ो सबके पास कुल कितने रुपए हैं। चलो जोड़ो, फिर सब लोग जोड़ के हमको बताएंगे कि सबके पास कुल कितने रुपए हैं। अभी इनको एक एक से पूछेंगे, और फिर ये भी पूछेंगे कि जितने रुपए हैं उसमें कितनी इकाई है और कितनी दहाई है। तुमको मिल बेटा, चलो अब अपने अपने रुपए सब लोग जोड़ लो, अपने अपने रुपए जोड़ो सब लोग। जोड़ लिए सभी, जोड़ लिए नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे कुल कितने रुपए हैं। ठीक, चलो रेणु बताओ तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं। रुको रुको रुको, देखो रेणु के पास है तिरपन रुपए, एक मिनट, तिरपन है। बीस दस, तीस दस, चालीस दस, पचास साठ, इकसठ, बहत्तर, इक्यावन, बावन और तिरपन। वेरी गुड। अब रेणु बताओ तुम्हारे पास कितनी दहाई है।